बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय 1 नवंबर को अपना 46वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। उनकी दीवानगी आज भी फैंस पर गजब ढाती है। ऐश्वर्या की एक झलक पाने को फैंस बेताब रहते हैं। 9th क्लास से मॉडलिंग और 1993 में आमिर खान के साथ पेप्सी का ऐड कर पहचान पाने वाली ऐश्वर्या राय की चर्चा जितनी ज्यादा उनकी एक्टिंग और खूबसूरती को लेकर होती है, उससे कहीं ज्यादा सलमान खान के साथ उनके रिश्तों को लेकर बनी रहती है। दोनों का ब्रेकअप काफी दर्दनाक रहा था, आज तक दोनों के दिल मिल नहीं पाए हैं। ऐश्वर्या के बर्थडे के मौके पर आइए जानते हैं कि उनके और सलमान खान से जुड़ा एक मशहूर किस्सा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उन दिनों की बात है जब ऐश्वर्या राय और सलमान खान की लव स्टोरी काफी चर्चा में थी। इसी बीच दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की करवाहट आज तक दोनों के रिश्ते में जारी है। उस वक्त ऐश्वर्या ने सलमान पर मारपीट तक के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, सलमान खान ने एक रात ऐश्वर्या के घर जाकर खूब हंगामा मचाया था। रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे। जब ऐश ने इससे इनकार कर दिया तो सलमान नाराज हो गए। साल 2001 में एक दिन वह ऐश्वर्या राय के घर पहुंच गए और खूब हंगामा किया। ऐश्वर्या राय का घर 11th फ्लोर पर हुआ करता था। सलमान गुस्से में उनके घर पहुंच गए और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि सलमान बिल्डिंग से कूदने की धमकी दे रहे थे। रात में शुरू हुआ यह हंगामा सुबह 3 बजे तक चलता रहा था। सलमान दरवाजा पीटते जा रहे थे और उनके हाथों से खून निकल रहा था। सलमान की इस हरकत से ऐश्वर्या के पिता कृष्णराज राय नाराज हो गए और उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। उस वक्त मुंबई एसपी अंबादास पोटे हुआ करते थे। तब उन्होंने बताया कि ऐश्वर्या राय के पिता ने सलमान के खिलाफ 27 दिसंबर को गैर आपराधिक केस दर्ज करवाया था। उनके मुताबिक सलमान जिस वक्त हंगामा मचा रहे थे, ऐश्वर्या घर पर नहीं थी। एक इंटरव्यू में सलमान खान के पिता सलीम खान ने इस बात का जिक्र करते हुए बताया था कि सलमान लगातार ऐश्वर्या राय को फोन कर रहा था, लेकिन जब वह फोन नहीं उठाई तो सलमान को उसकी फिक्र हुई और वह ऐश्वर्या के घर उनसे मिलने पहुंच गया। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने हंगामा मचाया। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।